नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के सेशन में हम बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंतर्गत बात करेंगे राग जौनपुरी पर। हम राग जौनपुरी में खास तौर पर बंदिश, आलाप और ताल, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी HOD हैं भारती कॉलेज के संगीत विभाग में। आपका संबंध रामपुर सदा परंपरा से है। आपने 5 साल की उम्र से संगीत सीखना शुरू किया। आप शिष्या हैं पंडित शंकरनाथ पाटिल जी की और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की। आप सभी से साझा करना चाहेंगे कि ये एक एडमिशन होने के साथ साथ एक परफॉर्मर भी हैं, निरंतर परफॉर्म करती हैं और जन जन तक संगीत के गुणों को साझा करती हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे कि ये निरंतर आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए भी कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, और अगर आप कभी मौका मिले तो आप ज़रूर इन कार्यक्रमों को देखें। नेशनल आर्काइव्स के लिए भी इन्होंने कहीं कार्यक्रम रिकॉर्ड किए हैं और नृत्य प्रति छात्र छात्राओं के बीच संगीत को लोकप्रिय बना रही हैं, संगीत के विभिन्न गुण सिखा रही हैं। बताना चाहेंगे कि आज तानपुरे पर इनके साथ संगत करेंगी गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं, और तबले पर इनके साथ हैं लाल बाबू राय जी, जो पंडित मिथिलेश जी के शिष्य हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, गगनजीत कौर जी का और लाल बाबू राय जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है राग जौनपुरी, जिसमें हम आपको एक बंदिश बताएंगे और उस बंदिश में किस प्रकार से राग जौनपुरी के आलाप और तानों को बनाया जाता है, किस प्रकार से उनको गाया जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। राग जौनपुरी के बारे में कहा जाता है कि जौनपुर के शासक जो थे सुल्तान हुसैन शाह शर्की, इन्होंने इस राग को बनाया, ऐसा विद्वानों का मत है। बहरहाल राग जौनपुरी जो है वो बहुत ही प्रचलित राग है, बहुत ही खूबसूरत मधुर राग है, और इस राग में शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना इत्यादि सभी गाए जाते हैं। यहाँ तक कि सुगम संगीत में भी इस राग को बखूबी प्रयोग किया गया है। फिल्म म्यूज़िक में भी बहुत से ऐसे गीत हैं जो राग जौनपुरी पर आधारित हैं। तो राग जौनपुरी की जो स्वरों की विशेषता है या उसका जो विस्तृत जो एक स्वरूप है, इसको हम पहले जो रागों की जो श्रृंखला थी उसमें हमने विस्तार से आपको बताया। संक्षेप रूप में जो है हम, क्योंकि हम कभी भी किसी राग के बंदिश को जब शुरू करते हैं उस राग के बारे में पुनः हमें जो है एक परिचय हमें जान लेना चाहिए। तो राग जौनपुरी के बारे में जो उसका परिचय है वो इस प्रकार से है। गधनी स्वर कोमल रहे, आरोहन गहानी, धगवादी संवादी से जौनपुरी पहचानी। बिल्कुल सूक्ष्म सूत्र के रूप में जौनपुरी की विशेषता बताई है कि गधनी कोमल, इसमें गांधार, धैवत और निषाद, ये तीनों स्वर इसमें कोमल होते हैं। आरोहन गहानी, यानी आरोह में गांधार जो है वो वर्जित होता है। धगवादी संवादी से जौनपुरी पहचान, तो धैवत और गांधार जो है ये वादी और संवादी हैं, इससे हमें पहचान लेना चाहिए कि ये राग जौनपुरी है। तो सीधी सी बात है कि जब हम गांधार को आरोह में वर्जित करते हैं तो 7 में से 1 वर्जित किया, 6 स्वर बच गए, तो जाति इसकी शाड़ा हुई आरोह में। और अवरोह में क्योंकि सारे स्वर प्रयोग होते हैं और गांधार भी बहुत खूबसूरत तरीके से प्रयोग होता है, तो अवरोह जो है इसका संपूर्ण है, यानी 7 स्वर हैं। इस प्रकार इसकी जो जाति है वो शाड़व संपूर्ण होगी। तो गांधार जो स्वर है उसको जब हम आरोह करेंगे तो उसमें हमको उसको पूरी तरह से वर्जित करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक पहचान है जौनपुरी की, जब हम आपको आगे थोड़ा आरोह अवरोह या पकड़ बताएंगे तो उसमें जो वो एक फ्रेज आएगा ऋषभ, मध्यम और पंचम का, जो कि गांधार को हटा के जो है हम उसको लेंगे, तो वो एक जौनपुरी की पहचान है जो उसको दूसरे रागों से भी अलग करता है। राग जौनपुरी जो है वो आसावरी थाट का राग है। आसावरी थाट, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि एक फैमिली जिसे ले ली जाए जिसमें से कि इसका ये राग उत्पन्न हुए हैं,
तो राग आसाव थाट आसावरी के अंतर्गत इस राग का जन्म माना गया है। उसमें हम देखते हैं कि जो स्वर हैं गांधार धैवत और निषाद राग ठाट आसावरी की जो पहचान है वो गधनी कोमल है। तो ये जो एक विशेषता है या स्वरों का जो स्वरूप है ये जौनपुरी में भी ऐसे ही आया है और इसीलिए हम स्वरों को देखते हुए जो है हम उसको आसावरी थाट में डालते हैं। मैं आपको विशेष तौर पर बताऊं कि पंडित भातखंडे जी ने दशविध थाट पद्धति जो हम लोग को बताई है उसके अंतर्गत 10 जो मेन थाट हैं उन थाटों के अंतर्गत आसावरी भी एक प्रमुख थाट है और उसमें ये विशेषता है कि गांधार धैवत और निषाद कोमल है। थाट में सातों स्वरों का होना ज़रूरी है, राग में ज़रूरी नहीं है। यदि हम आसावरी राग लेते हैं तो शायद उसमें कुछ स्वर हम छोड़ भी सकते हैं, जब हम आपको आसावरी के बारे में बताएंगे तब जानेंगे। लेकिन जब हम ठाट आसावरी की बात करते हैं तो उसमें सारे गामा पधनी ये सातों स्वरों का प्रयोग होगा। हाँ, स्वरों का स्वरूप क्या है, क्या वे कोमल है, क्या वे तीव्र है या वो शुद्ध है, उसको लेकर हम जो है हम ठाट की विशेषता मानेंगे। यानी आसावरी ठाट में सा रे ग म प धनी ये सातों स्वर हैं, लेकिन गांधार उसमें हमेशा कोमल रहेगा, धैवत हमेशा कोमल रहेगा और निषाद हमेशा कोमल रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि एकदम हम पहचान लेते हैं कि ये ठाट जो है ये आसावरी ठाट है। अब हम बात करते हैं राग जौनपुरी की। राग जौनपुरी जो है क्योंकि उसके स्वरों को देखते हुए हम जानते हैं कि उसमें गांधार धैवत और निषाद कोमल है तो हम सीधे तरीके से इसको आसावरी ठाट में डाल देते हैं। इस प्रकार से भारतीय शास्त्रीय संगीत के सभी रागों को जो है हमने इन 10 ठाटों के अंतर्गत जो है हम पाते हैं जो कि पंडित भातखंडे जी द्वारा हमें बताया गया है। अब आगे चलते हैं, जब हम इस राग के बारे में जानते हैं तो राग जो है जैसे मैंने ठाट आपको बताया, मैंने इसका जो आपको जाति बताई आपकी जाति स्वरों की संख्या के हिसाब से इसकी जाति जो है वो षाड़ संपूर्ण है। इस राग में धैवत धग वादी संवादी से यानी धैवत इसका वादी है, प्रमुख स्वर है, की नोट है, उसको राजा की तुलना दी गई है और गांधार जो है वो कॉन्सोनेंट यानी संवादी है, संवाद जो 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 स्वर से किया जाता है उसको संवाद कहा जाता है। अब एक बात बताएं आपको संवाद कैसे, साधारणतः ये एक नियम है कि जो भी स्वर वादी है यानी प्रमुख है उसे चौथे या पांचवें स्वर के डिफरेंस में यानी उससे या तो चौथा स्वर या पांचवा स्वर जो है वो संवादी होगा, उसका संवाद बैठना चाहिए। तो यहाँ पर धैवत और गांधार इसकी जो दूरी है वो बिल्कुल इस बात को सही ठहराती है। तो हम धैवत और गांधार को वादी और संवादी मानते हैं राग जौनपुरी के अंतर्गत। तो देखिए एक सूत्र के रूप में बिल्कुल निचोड़ जो है इस राग का बता दिया गया है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि गधनी जो है वो कोमल है, इसका जो समय है वो प्रातः काल हम कह सकते हैं कि दिन का दूसरा प्रहर 8 बजे से 10 बजे के आसपास जो है इस राग को गाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मधुर राग है। इस राग में बहुत से भजन जो है वो प्रचलित हैं, बहुत से सुगम संगीत के गीत प्रचलित हैं। शास्त्रीय संगीत के राग रागनियों में जो बंदिशें हैं वो तो है ही, वो तो उस राग की खूबी को आगे प्रदर्शित करता ही है, लेकिन उसके अलावा जो है गीत गज़लें भजन इनमें भी ये बहुत ही खूबसूरत जो है तरीके से राग जौनपुरी में जो है पिरोया जा सकता है कॉम्पोजिशंस को। अब हम राग जौनपुरी के आरोह अवरोह को लेते हैं। तो ये तो इसका आरोह अवरोह था।
फिर से एक बार देखते हैं। इसको हम अवरोह को जो है इस प्रकार भी ले सकते हैं, सा रे नी दा प धा म प ग रे सा, या सा रे नी दा प म प ध म प इस राग के आरोह और अवरोह हैं, जिसको कि मैंने पहले बिल्कुल सपाट सीधे तरीके से गाया कि सा रे म प ध नी सा, सा नी ध प ध म प ग रे सा, या अवरोह में हम रे नी ध प इस प्रकार का जो स्वर संवाद है उसको भी लेते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत एक विशेषता है राग जौनपुरी की। अब इसकी पकड़ की जो बात करते हैं, मापनी तो आरोह अवरोह, आरोह जैसे मैंने बताया कि स्वरों को जो है क्रम संख्या से जो है नीचे से ऊपर की तरफ जब हम गाते हैं, यानी षड्ज से लेके हम जब निषाद तक जितना हमें यातार सप्तक के सा तक जब हम जाते हैं तो आरोह कहलाता है। इसी प्रकार जब क्रम से हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाए, तार सप्तक के सा से हम नीचे मध्य सप्तक के सा तक आते हैं, तो उसे हम कहते हैं अवरोह। पकड़ यानी उस राग की पहचान, उसकी आइडेंटिटी, वो ऐसा स्वरगुच्छ, ऐसा फ्रेज जिसको कि हम गाते ही या सुनते ही हम पहचान जाते हैं कि अमुक राग है। तो राग जौनपुरी की जो पकड़ है, मा प ध मा प ग र मा प, बड़ा खूबसूरत सा ये फ्रेज है, सा रे म प ध प म प द म प ग रे म प। तो जो ये फ्रेज जो पकड़ आता है इसमें रे म प, ये बहुत खास है जौनपुरी में। जौनपुरी कहते हैं ना कि ये स्वर समुदाय यदि कहीं और लगता है, म प द म प ग रे म प रे म प द प, तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे जौनपुरी का जो है ये अंग आ रहा है, इसकी छोटा सा अंश जो किसी भी राग में किसी और राग में यदि लग रहा है तो हम कहते हैं ये जौनपुरी का है। तो बहुत ही प्रचलित, बहुत ही खूबसूरत राग है ये राग जौनपुरी। अब इसकी विशेष स्वर संगतियाँ जो है वो हम आपको बताते हैं, जो इस राग को बनाती है, इस राग को जौनपुरी सिद्ध करती हैं। पहला रे मा पा, दूसरा मा प ग रे, यानी पंचम से गांधार, कोमल गांधार पर आता है मा प ग, एक हल्का सा आंदोलन या हल्का सा कंपन आवाज में करे तो वो खूबसूरती को बढ़ाता है, मा प ग, ऐसे भी हो सकता है मा प ग मा प ग, तो ये अलग अलग अंदाज से जो है पंचम और गांधार की जो संगति है इसको जो लेना जौनपुरी की खास विशेषता है। और एक बात जो जौनपुरी में जब अवरोह हम लेते हैं तो सारे बहुत ही सुंदर लगता है जब अवरोह हम लेते हैं, या हम अंतरे के आलाप करते हैं, या हम तार सप्तक के आलाप करके हम बंदिश के मुखड़े को लेते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है ये देखने में, ये सुनने में और गाने में भी। मा प द नी सा रे नी द प रे नी द प द मा प द नी सा, तो सा रे मा प द नी सा रे नी दा
प, या जैसे मैंने आपको अवरोह बताया सारे तो एकदम से पहचान लेते कि राग जौनपुरी ये गाया जा रहा है। तो इस ये स्वर संगतियाँ बहुत खूबसूरत है। और एक स्वर संगति जो इसमें अक्सर मिलती है वो है रे मा पनी दा पा। कोमल निषाद और कोमल धैवत को गाते हुए पंचम पर आना और पंचम पर ऋषभ और मध्यम के साथ रे मा पा। जौनपुरी की खास बात रे मा पनी दा पा। ये जौनपुरी के जो है कुछ ऐसे स्वर गुच्छ हैं, कुछ ऐसे स्वर समुदाय हैं जो कि राग जौनपुरी को राग जौनपुरी बनाते हैं। अब एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि राग जौनपुरी जो है वो आसावरी थाट के अंतर्गत है। अब राग थाट आसावरी के अंतर्गत एक राग है आसावरी जो कि प्रमुख राग है और आसावरी राग में भी गधनीय कोमल होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आसावरी और जौनपुरी में क्या अंतर है या किस प्रकार से हम इन दो रागों को अलग कर सकते हैं। आसावरी के जो आरोह अवरोह है वो इस प्रकार से होंगे सा रे मा पा दा सा सा नी दा पा धमा प ग रे सा या सा नी दा पा मा प द मा प ग रे सा। ये आसावरी के आरोह और अवरोह है। तो अब इसकी जो पकड़ ली जाए मा प द मा प ग रे सा धा मा प ग रे सा मा प द मा प ग रे सा। तो आपको जब मैं ये बता रही हूँ तो आपको कहीं पे सुनने से ऐसा भी प्रतीत होगा कि ये तो फ्रेज जो है जौनपुरी में भी प्रयोग होता है और जौनपुरी में भी मा प द सा इस प्रकार का भी प्रयोग होता है कभी कभी। तो ये क्या डिफरेंस क्या है? देखिए राग जौनपुरी जो है उसमें जब आरोह लेते हैं सा रे मा प द नी सा ये स्पष्ट रूप से लिया जाता है मा प द नी सा। लेकिन कभी कभी मा प द सा रे नी द प मा प द नी सा इस प्रकार से लिया जाता है। और सा नी द प द मा प ग रे मा प। तो अवरोह करने के बाद ऋषभ से पुनः मध्यम और पंचम पर आकर न्यास करना ये जो है जौनपुरी का एक खास फ्रेज है जो उसको आसावरी से अलग करता है। आसावरी में क्या सा नी द प मा प द मा प ग रे सा ये आसावरी में इस प्रकार से आता है। और जौनपुरी में रे मा प पंचम पर न्यास करने से राग जौनपुरी एकदम स्पष्ट हो जाती है। और आरोह में निषाद का इस्तेमाल करने से धैवत के बाद निषाद और फिर सर्ज पर जाना तो जौनपुरी जो राग है वो बिल्कुल आसावरी से अलग हो जाता है। तो ये तो अंतर था जौनपुरी और आसावरी का। अब हम इस अंतर के बाद अब हम जब जौनपुरी को और आगे देखते हैं तो जौनपुरी की हम बंदिश पे जाएंगे। बंदिश से पहले थोड़ा सा बताएं कि जब हम जौनपुरी का आलाप करेंगे तो आलाप किस प्रकार से करेंगे इसका हम परिचय आपको विस्तृत रूप से अपनी रागों की श्रृंखला में दे चुके हैं। क्योंकि हम बंदिश करें तो बंदिश में भी हम आलाप गाएंगे, बंदिश में भी हम ताने बनाएंगे, तो थोड़ा इसको भी जानना ज़रूरी है कि हम आलाप किस प्रकार से करेंगे फिर हम उसको बंदिश में कैसे लेंगे। सा सा रे नी दा पा पा गा रे सा ये भी स्वर संगति बहुत खूबसूरत लगती है राग जौनपुरी में रे नी दा पा मा पा द नी दा पा पा ग
आपको मैं स्वरों में ही बता रही हूँ ताकि आप जो है थोड़ा सा उसको रिफ्रेश कर लें। सा रे मा पा मा पा मा प ग रे सा रे मा पा दा sa re ma pa da ni da pa ma pa ma ni da pa re ma pa ma pa da ni da pa dha देखिए कि षड्ज और पंचम इस पर बहुत अधिक न्यास किया जा रहा है। तो न्यास के स्वरों में षड्ज और पंचम जो है ये बहुत ही प्रमुख है। स रे मा प द नी सा नी द प म प द सा रे नी द प म प द तार सप्तक के गांधार को लेना, इसको हम मंद्र में भी कर सकते हैं। मंद्र के धैवत से मध्य सप्तक के गांधार को लेना, ये स्वर संगति भी बहुत खूबसूरत लगती है। धगा रे सा रे नी द प ध म प ग र म प ध म प ग रे सा रे म ये था एक संक्षिप्त रूप में एक परिचय राग जौनपुरी का। अब हम राग जौनपुरी की एक बंदिश, तीन ताल की बंदिश है, उसको आपको बताएंगे। आप उसको सुनिए, उसको साथ साथ गा सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। बंदिश के बोल हैं, परिये पाय न वाके सजनी, जो ना माने गुनियन की सीख, हाथ जोर फिर न्यारो होवे, ऐसे नर के पास न जाइए, दरस कहे वासो नित डरिए। देखिए, साहित्य को जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम साहित्य को जानते हैं तो उसका एक अर्थ हमें समझ में आता है, और हम जब उसको रागदारी में उस साहित्य को गाते हैं तो उसका जो एक भाव है, जो एक रंग है, वो बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो इसके बोल जो हैं, इस साहित्य के उसका अर्थ क्या है, पर ये पाय न वाके सजनी। अक्सर विद्यार्थी इस बंदिश को पर ये पायन वाके सजनी, तो पाय न वाके सजनी इस शब्द को पायन वर्ड ले लेते हैं, और कई कई विद्यार्थी पायल बोल देते हैं, पर ये पायल वाके सजनी। तो ये साहित्य जो है पंडित भातखंडे जी की पुस्तक जो है उसमें आप पा सकते हैं। इसका अर्थ है पर ये पाय न वाके सजनी, उसके पैरों को नहीं पढ़ना चाहिए। पाय शब्द है, उसके पैरों को नहीं पढ़ना चाहिए, जो ना माने गुनियों की सीख, जो गुनियों की जो सीख है उसको नहीं मानता। और हाथ जोर फिर न्यारो होवे, जो हाथ जोड़ता है जब उसका काम होता है और फिर न्यारो अलग हो जाता है जब उसका काम निकल जाता है, ऐसे नर के पास न जाइए।
ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। दरस कहे वासो नित डरियो, दरस जिन्होंने ये बंदिश लिखी है उनका उपनाम, उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति से नित डर के रहना चाहिए। यहाँ डर का अर्थ ऐसा डर नहीं कि उससे भयभीत होकर रहना चाहिए, मतलब उससे दूर ही रहना चाहिए। वो जब बहुत प्यार से बात करता है या उसका जब कोई स्वार्थ होता है तो वो आपके पास आता है, हाथ जोड़ता है और आपसे विनती करता है, तो समझ जाना चाहिए कि इसका कोई काम है और ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है कि जब उसका काम निकल जाएगा तो वो आपको पहचानने से इनकार कर देगा। तो कितना सुंदर साहित्य और जीवन का यथार्थ है, जीवन के अनुभवों को इतने सुंदर तरीके से पिरोया गया है इस बंदिश में। आइए इस बंदिश को पहले हम सीखते हैं। तीन ताल में ये बंदिश है, खाली से यानी नवी मात्रा से बंदिश जो है वो होती है। परिये पायन खूबसूरती प्रदान करने के लिए उसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? वाय के सजनी परी पा यन वाय
जो बंदिश आपको अभी हमने बताई राग जौनपुरी की, 3 ताल की बंदिश है, पंडित भातखंडे जी की क्रमिक पुस्तक मालिका में इस बंदिश की स्वरलिपि आपको मिल सकती है। और मैंने उसको प्रैक्टिकल वे में यानी प्रयोगात्मक रूप में, क्रियात्मक रूप में आपको मैंने बताया। तो तबले पर जैसे 3 ताल चल रही है, तो अब आपको बताएंगे कि इसमें आलाप और ताने कैसे बनाई जा सकती हैं, कैसे आप अपने
स्वयं के आलाप और तान जो है उसको आप बना सकते हैं। क्योंकि राग जौनपुरी के बारे में आलापचारी जो है उसका विस्तृत हमने पूरा एक एपिसोड जो है आपको इससे पहले की जो रागों की जो श्रृंखला है उसमें हमने आपको बताया है, तो आप एक बार उसको ध्यान से सुनिए, उसको उसका रियाज उसके आधार पर करिए और फिर आप तबले की ताल के साथ जो है बंदिश के साथ इस उसी आलाप को जो है जितनी रिक्वायर्ड है यानी जितनी की आवश्यकता है उतनी उतने आलाप का जो फ्रेज है जो पोर्शन है उसको आप ले सकते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटाइज्ड वे में। यानी हम ऐसे नहीं करेंगे कि आलाप लेके पंचम पे छोड़ दिया या धैवत पे छोड़ दिया, आलाप करने का भी एक तरीका होता है। और बंदिश में आलाप किस प्रकार से किया जाता है इसको हम आपको अभी बताते हैं। अब देखिए ये बंदिश थी, परी ये पायन वाके सजनी, ये तीन ताल की बंदिश है, 16 मात्रा की बंदिश है और खाली से शुरू होती है। देखिए तीन ताल फिर से देखते हैं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, परी ये पायन वाके सजनी, परी ये पायन वाके सजनी। अब आप देखिए मेरी बंदिश जो है वो खाली से शुरू हो रही है और सम कौन से अक्षर पे आता है इसको फिर से देखिए, परी ये पायन वाके से वाप जो है वो सम आता है। अब हमने बंदिश में जब आलाप करते हैं तो उसमें हमको बार बार मुखड़ा उठा के सम को दिखाना होता है, तो हम खाली से ही जो अपने मुखड़े को उठाएंगे और सम पर बिल्कुल सही जगह पर हम आएंगे, परी ये पायन 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 आलापों से मैं आपको एक उदाहरण दे रही थी कि आलाप किस प्रकार से राग की बंदिश में तबले के साथ यदि ताल की जो एक सीमा है उसके अंतर्गत उसको गाया जाता है, तभी तो एक एक सिमेट्री बनेगी, तभी एक व्यवस्थित रूप से बंदिश जो है पूरी कहलाएगी और सामने आती है। अब यहाँ पे देखिए, धा धिन धिन धा धा धिन, खाली से शुरू करेंगे, परी पाए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, परी यानी पहली से आठवीं मात्रा तक आपको छोटे आलाप करने का आपको स्थान दिया गया है, उसमें आप आलाप करिए और आलापों को धीरे धीरे, क्योंकि शुरू में आलाप एकदम परफेक्ट नहीं बनते, आप राग को आपको सोचना पड़ता है, आपका ध्यान क्या तो तानपुरे की तरफ जाए, क्या तबले की तरफ जाए, क्या आपने गाने की तरफ जाए या राग की के स्वरों की तरफ जाए, ये कन्फ्यूजन होना होता है और यह स्वाभाविक है, इसलिए इससे विचलित ना हो, वो आप कोशिश करते रहिए।
सरमाप, आपको पता राग ऐसे जा रहा है, या म प द म प ग रे सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, या रे नी द प, ये भी इंपॉर्टेंट, म प द नी द प। आपको मैंने बताया कि ये जो स्वरगुच्छ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषता है ये राग जौनपुरी की। अब इन्हीं विशेषताओं को बंदिशों के साथ जोड़ेंगे तो बंदिश भी खूबसूरत लगेगी और एक भराव पूरा आलाप का वो आएगा। कैसे, फिर से देखते हैं। परी ये पायन बाके सजनी, परी ये पायन सरमाप, परी ये पायन परी ये पायन रे माप, परी हम इतनी छोटे छोटे आलाप ले रहे हैं, क्या हम बड़े आलाप भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन उन बड़े आलापों को आप यदि इस प्रकार से शुरू करेंगे तो ज्यादा सुगम होगा। कैसे, खाली से ही शुरू करिए। परी पाए बता रही हूँ, कहीं कोई लिखा हुआ आलाप नहीं है। तो क्योंकि राग जो है वो स्पष्ट है, राग का चलन स्पष्ट है, राग में कौन से स्वर पर कितना एम्फेसिस देना है, कितना पॉज देना है वो भी स्पष्ट है, कौन कौन से स्वर समुदाय हैं जो राग में महत्वपूर्ण है, जिनको की गाया बजाया जाना चाहिए वो भी स्पष्ट है। तो इत्मीनान से इस राग का विस्तार किया जा सकता है। परी ये पायन वाके सजनी।
अब यदि हम इस आलाप में शब्द लगा दें तो किस प्रकार से होंगे? परिये पायन वाके सजने वाके सजने वाके हे सजने परिये पायन वाके सजने। तो जब हम ऐसे कोशिश करते हैं शुरू शुरू के आलाप थोड़े से हमारे इमेच्योर से लगते हैं, हम उनमें शब्दों को डालते हैं, तो धीरे धीरे जब आप उसको गाते गाते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं तो अपने आप शब्द कहाँ पर कितने फिट होते हैं वो आपको स्वभावतः आ जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वॉवल साउंड का ध्यान रखिए, आ ई ए ओ यू, इसका जो ध्यान रखें तो इसको आपने गाने में भी ध्यान रखें, जो शब्द हैं उसमें दीर्घ मात्रा जहाँ पर है उनमें आप यदि आलाप चारी करेंगे तो वो ज़्यादा जो है अच्छा एक भाव उत्पन्न करेगा, उसमें आपको सहजता होगी गाने में भी। परिये पायन वाके सजन वाके सजनी देखिए ताल की जो 16 मात्राएं हैं, 16 बीट्स हैं, वो तो हमारे मस्तिष्क में एकदम क्लियर है, वो सर्कल चल रहा है। अब हम जो शब्दों को लेके आलाप कर रहे हैं तो अभी हमारा ध्यान शब्दों को इस प्रकार से राग के स्वरों को लेके गाने में उस तरफ हमारा ध्यान है कि हम ताल चल रही है बैकग्राउंड में उस पर हम अधिक ध्यान नहीं देते, हम भाव की उत्पत्ति के लिए जो है उसको स्वच्छंद रूप से आलाप करते हैं, जिसका कि बेस वही आलाप है जो मैंने आपको बताया। वाके स्वर क्या, म प द नी सा सजनी सारे नी द प वाके म प म नी द प सजनी प द म प ग रे म म रे पायन वाके सजनी। अब ये इतना मुश्किल नहीं है यदि आप स्टेप वाइज आलाप करेंगे और इसका अभ्यास जो इससे पहले की जो रागों की जो श्रृंखला थी उसमें जो राग जौनपुरी का विस्तृत मैंने जो आपको 3 श्रृंखलाओं में जो आपको जानकारी दी है उसका बेस रखते हुए जब आप इस बंदिश के साथ ताल के साथ जब गाएंगे तो आपका आलाप जो है बहुत सहज तरीके से सुगम तरीके से निकल कर आएगा। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, यानी अभ्यास करते रहिए तो एक जैसे गोलाई है वो आवाज़ में आना शुरू कर देगी। मैं एक बहुत आसान सा उदाहरण देती हूँ कि जब फर्नीचर बनाता है कोई कारपेंटर तो उसमें बहुत ही एक रफनेस होती है और वो उसको जो है सैंड पेपर से उसको घिसता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल स्मूथनेस आ जाती है और उसमें जो गड्ढों का जो भराव है जो लकड़ी के अंदर है वो भी ऐसा भर जाता है कि आपको उसका डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। तो इसी प्रकार से आवाज़ की जो गोलाई है, आवाज़ में जो एक कंपन है या आवाज़ में किस तरह की कोई लड़खड़ाहट है या आवाज़ हिलती है, धीरे धीरे जाएगी जब आप उसको सही तरीके से उसको रियाज निरंतर करते रहिए। तो ये तो आलापचारी का उदाहरण था जो आप जो है इस बंदिश के साथ कर सकते हैं। अब हम इसकी तानों को देखते हैं। तो तानों को, जहाँ तक तानों की इसका सवाल है, उसमें हम पलटों के ऊपर जो आपको इससे पहले की श्रृंखला में बताया गया था, पलटों का पहले आप अभ्यास करिए कि पलटों के हिसाब से हम उसी में से हम जो फ्रेज पलटों का लेते हैं, जितना भाग लेते हैं और बंदिश के साथ उसको अटैच करते हैं तो उसको हम तान कहते हैं। तान क्या है? तान उन्हीं पलटों में से, पलटों को जैसे हम कहते हैं कि कपड़े की थान है, उसमें से आपने चाहे तो आपने एक शर्ट बना लिया, चाहे तो आपने कोट बना लिया, चाहे तो आपने एक पर्दा बना लिया, चाहे कुछ और बना लिया, तो उसी में से निकला हुआ पोर्शन है। तो पलटा जो है वो पूरा थान है,
तान कितनी मात्रा की आपको, कितने मात्रा का पलटे का वो भाग चाहिए जो आप बंदिश के साथ लगाएंगे, उसके साथ फिट करेंगे, तो वो जो है उसको हम तान कहते हैं। अब इस बंदिश में देखते हैं तान कैसे बनती है। धा धिन धिन धा धा धिन परिये पायन वाके सजनी परिये पा। अब पहले मैं पलटा गाती हूँ। सारे मा प ग ग रे सा सारे मा प ध प म प ग ग रे सा सारे मा प ध नि ध प ध प म प ग ग रे सारे मा प ध नि सा नि ध प म प ग ग रे सारे मा प ध नि सा रे ग रे सा नि ध प म प ग ग रे सा। मैंने एक पलटा गाया, फिर से आप ध्यान से सुनिए और इसके साथ गाइए। सारे मा प ग ग रे सा सारे मा प ध प म प ग ग रे सारे मा प ध नि ध प ध प म प ग ग रे सारे मा प ध नि सा नि ध प म प ग ग रे सारे मा प ध नि सा रे ग रे सा नि ध प म प ग ग रे सा। अब इस पलटे में से बंदिश के हम कितना फ्रेज लेते हैं वो आपको सुनने से और साथ में अभ्यास करने से आपको समझ में आएगा। कैसे? परिये पायन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पुनः आठ मात्रा की तान हमें चाहिए। देखिए धा धिन धिन धा धा धिन परिये पायन सारे मा प ग ग रे सा सारे मा प ध प म प परिये पायन एक मा प ग ग रे सा सारे मा प ध प म प परिये पायन सारे मा प ध नि ध प ध प म प ग ग रे सा परिये पायन सारे मा प ध नि ध प ध प म प ग ग रे सा परिये पायन सारे मा प ध नि सा नि ध प म प ग ग रे सा परिये पायन सारे मा प ध नि सा नि ध प म प ग ग रे सा परिये पायन सारे मा प ध नि सा रे ग रे सा नि ध प म प परिये पायन सारे मा प ध नि सा रे ग रे सा नि ध प म प परिये पायन वाके सजनी। अब तो ये तो छोटी छोटी ताने मैंने आपको बताई आठ मात्रा की, अब हम थोड़ी लंबी तान लेते हैं। हाली से शुरू करिए। परिये पायन वाके सारे मा प ग ग रे सा सारे मा प ध प म प ग ग रे सा सारे मा प ध नि ध प ध प म प परिये पायन वाके सज। इसको एक बहुत सरल तरीके से आप जान सकते हैं कि आप हाथ से फिंगर से 16 मात्रा काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 परिये पायन वाके सजनी सारे मा प ग ग रे सा सारे मा प ध प म प ग ग रे सा सारे मा प ध नि ध प म प परिये पायन वाके सजनी सारे मा प ग ग रे सा सारे मा प ध प म प ग ग रे सा सारे मा प ध नि ध प म प परिये पायन वाके स। तो आप देखिए कि मैंने 16 मात्रा की जो तान है उसे मैंने फिंगर से काउंट किया 1 2 3 4 करके 16 मात्रा में। आपको ये पता चल जाएगा कि नवी मात्रा से जो है आपने मुखड़ा उठाना है, आठ मात्रा का मुखड़ा है। उसके बाद आप चाहें आठ मात्रा की तान बनाइए, आप चाहें 16 मात्रा की बनाइए, आप चाहें 32 मात्रा की बनाइए, आप चाहें 24 मात्रा की बनाइए, आपके ऊपर है। एक बार आपको ये समझ में आ जाए मुखड़ा कहाँ से उठाना है, एक बार समझ में आ जाए कि सम कहाँ पर दिखाना है, किस प्रकार से हमें तबले के साथ मिलना है और पहली मात्रा पर आना है, तो आपको सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। अगला पलटा देखते हैं। परिये पायन वाके सजन रे मा प प ग ग रे सा रे मा प ध म प ग ग रे सा रे मा प ध नि ध प ध म प ग ग रे मा प ध नि सा नि ध प ध म प ग ग रे मा प ध नि सा रे ग रे सा रे नि ध प म प परिये पायन वाके सजन म प ध नि सा नि ध प म प ध नि सा रे ग रे सा नि ध प म प ध नि सा नि ध प म प ध प परिये पायन वाके सजन। आप देखिए म प ध प जो है
यहाँ से शुरू कर सकते हैं, रे मा पा। मैंने शुरू में बताया कि जौनपुरी का इम्पोर्टेंट फ्रेज है मा प द नी द प, ये भी जौनपुरी का इम्पोर्टेंट फ्रेज है, रे नी द प मा प द नी सा सा रे रे नी नी ध ध प प मा प द नी सा सा रे नी ध प ध प मा प। इस फ्रेज को भी आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ समझ कर आराम से धीरे धीरे, ये नहीं कि हम स्पीड है तो एकदम भाग जाएं, धीरे धीरे समझ कर हम पहले पलटों का अभ्यास करके यदि हम तानों को बनाते हैं तो हमारा न केवल तानों की प्रैक्टिस होती है, हमारा ताल पे भी कमांड होता है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप सम से ही उठाएं, आप खाली से ही उठाएं, तानों को कहीं और से भी आप उठा सकते हैं, लेकिन आपको सम पर आना ज़रूरी है। एक छोटा सा उदाहरण, परी ये पायन वाके सा रे मा प ग ग रे सा सा रे मा प ध प मा प ग ग रे सा सा रे मा प ध नी ध प ध प मा प ग ग रे सा ग ग रे सा परी ये पायन वाके प ध मा प ग ग रे सा रे मा प ध मा प ग ग रे सा रे मा प ध नी ध प ध मा प ग ग रे प ध मा प ग ग रे सा परी ये पायन वाके सजनी परी ये पायन परी प्रकार से। यदि आप अपने पलटों का अभ्यास करेंगे, और अभी मैंने आपको सिर्फ सरगम में ही बताया है, इसको आप आकार में कर सकते हैं, उसके बाद शब्दों को जो अक्षर हैं आपकी बंदिश के उसको इसमें पिरोकर आप गाएंगे तो आपको खुद भी सुनने में गाने में अच्छा लगेगा और आपको सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। राग जौनपुरी को आप बहुत सुंदर विस्तृत रूप में जो है आप उसका अभ्यास कर पाएंगे, आप उसका गायन कर पाएंगे और आपको कोई भी चीज़ असंभव नहीं लगेगी। इन लेक्चर्स का यही एक मकसद है कि आप जो है रागों के बारे में विस्तार से जानें और उसका अभ्यास करें और आगे चलकर और अच्छा गाएं, अच्छा बजाएं। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक के द्विवेदी जी का, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा कि जटिल चीज़ों को आसान करना इस लाइव रिसेट लेक्चर का माध्यम है, और हम यही चाहते हैं कि आप निरंतर हमारे इन लेक्चर्स को देखते रहें और उसके उपरांत आपके मन में कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न हो तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हम चाहते हैं कि आप प्रश्न पूछें, क्योंकि प्रश्न पूछने से बहुत सी जो हमारे मन में बातें होती हैं वो खुलकर सामने आती हैं और हमें आगे एक नया मार्ग मिलता है। तो हम यही चाहेंगे आप हमें लिखते रहें, हमें देखते रहें। हमारी मेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, और एक बार फिर से मैं डॉक्टर सरिता पाठक के चतुर्वेदी जी का, लाल बाबू राय जी का और गगनजीत कौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद।